बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास टू। आज हम साइंस का यूनिट नंबर 4 हमने जो पढ़ा था रूट्स, इसका काम करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी कॉपी में अच्छा सा टाइटल पेज बनाना है, चैप्टर 4 रूट्स, इसका अच्छा सा आपको टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आपको करनी है वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है आपका रूट्स, जड़ें, ग्रो, बढ़ना, सॉइल, मिट्टी, मिनरल्स, मादनियात, सख्त, चूसना, स्टोर, जमा करना, डीप, गहरा, थिन, पतला, फाइबर्स, धागेदार, ब्रांचेस, शाखें। वर्ड्स मीनिंग करने के बाद आपको करने हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द रूट हेयर्स। यहाँ पे आपको दो जो है वो द रूट हेयर्स एंड सेकेंड है द रूट कैप। तो आपको बताना है कि ये क्या काम करते हैं। द रूट हेयर, रूट हेयर सक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स हेयर जो होते हैं वो ज़मीन से पानी और मिनरल्स को जो है वो सक करते हैं। ट्री बी है द रूट कैप। रूट कैप क्या करता है, द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप। रूट कैप जो है वो रूट टिप को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। ये आपको करना है। उसके बाद है ग्रो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। आपको जो है वो दो डायग्राम्स आपको बनानी है रूट्स की, जिसमें आप एक फाइबर्स रूट की बनाएंगे और दूसरी जो है वो टैप रूट। दोनों के आपको बुक में और अपनी कॉपी में भी डायग्राम बनानी है। देखें बुक में पेज नंबर 27 पे आपको स्पेस दी गई है, ग्रो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनानी है और यही डायग्राम आपको अपनी फिर कॉपी में भी बनानी होगी। उसके बाद है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आपका, अ रूट ग्रोज इन द सॉइल, ट्रू। रूट्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स, ट्रू। A tap root cannot store a lot of food, false, because a tap root can stores a lot of food. Some roots are thick and strong, true. Onion has fibre root, true. उसके बाद fill the blanks from book page 27, book के page number 27 पे fill the blanks मौजूद हैं। A root grows in the soil, a roots stores food for the plant, some roots are thin and weak. A thick root is called a tap root, fibrous root do not store much food. ये आपको जो है वो पेज नंबर 27 पे ब्लैंक है, इनके आंसर आपको अपने असाइनमेंट में भी मिल जाएंगे। ए में सॉइल, देन फूड, थिन, टैप एंड फाइबर्स। फिल द ब्लैंक्स करनी है, टू फॉल्स कर लिया आपने। उसके बाद जो है वो एमसीक्यूज देखें। रूट्स ग्रो इन दी, यहाँ पे आपको जो है वो थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉइल, स्काई एंड एयर। जो राइट ऑप्शन होगा उसको आपको ब्लैंक में लिखना है और उसे टिक करना है। रूट्स ग्रो इन दी सॉइल, यहाँ पर आंसर आपके असाइनमेंट में मौजूद है, ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट में आएगा सॉइल। रूट्स सक डैश फ्रॉम दी सॉइल, तो रूट जो है वो क्या चीज़ जो है वो सॉइल से सक करती है, तो इसका आंसर है फूड और वाटर। तो वाटर इसका आंसर है, आपको ब्लैंक में वाटर लिख देना है और वाटर यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। रूट्स विच है वन थिक पार्ट आर कॉल्ड फाइबर्स रूट, टैप रूट, फैट रूट। तो यहाँ पे आपको लिखना है टैप रूट। स्मॉल रूट्स ऑफ द सेम साइज आर कॉल्ड टैप रूट्स, कैप रूट या फाइबर्स रूट। तो यहाँ पे आपको फाइबर्स रूट लिख देना है। द टिप ऑफ द रूट्स इज प्रोटेक्टेड बाय रूट हेयर, रूट टिप या रूट कैप। जो रूट की जो टिप होती है वो किस चीज़ के ज़रिए उसकी हिफाजत हो रही होती है, रूट हेयर के ज़रिए, रूट टिप के ज़रिए या रूट कैप के ज़रिए। तो राइट आंसर है रूट कैप, ये आपको लिख देना है। आंसर आपके जो है असाइनमेंट में भी मौजूद है। फर्स्ट में आएगा सॉइल, वाटर, टैप रूट्स, फाइबर रूट एंड रूट कैप। ये आपका काम था चैप्टर 4 रूट्स का। सबसे पहले आपने वर्ड्स मीनिंग की, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज एंड देन आपने जो है वो डायग्राम्स ड्रॉ करनी है टू डिफरेंट रूट्स की, एक फाइबर रूट की और दूसरी टैप रूट की।
आई होप आपको काम समझ आ गया होगा, नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।